ओके सर, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप फाइनल वेल होंगे। वेलकम टू माय येट अनदर व्लॉग। और आज है छोटी दिवाली और हम निकले हैं घर से बाहर। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे सजावट हुई है। अब कल दीपावली है तो उसकी कैसे सजावट हुई, अभी मैं आपको दिखाऊंगी थोड़ी देर बाद। चलिए देखते हैं कि कैसा सजावट है। तो सबसे पहले ये रहा पड़ाव मोहल्ला, जहाँ पे हर बार कोई भी त्यौहार पड़ता है तो सबसे अच्छी सजावट होती है नवाबगंज में। तो ये रहा मोहल्ला पड़ाव, जहाँ पे बहुत अच्छी सजावट हुई है, आप देख सकते हैं। अच्छी लग रही है यार, बहुत ज़्यादा। गाइस, अभी आप लोगों ने देखा होगा कि इतने सारे घर कितने सुंदर सुंदर सजे हुए हैं, और मैं आपको क्या ही बताऊँ। अभी देखते रहो आप लोग, घर घर पे घर आ ही रहे हैं, इतने सुंदर जो कि सजे हुए हैं। आज छोटी दिवाली है, और अब मैं जाऊँगी मेन मार्केट में, फिर आपको दिखाती हूँ कि वहाँ का क्या नज़ारा है। सो अभी भी घर ही दिख रहे हैं यार, देखते रहो आप लोग, देखो देखो सुंदर सुंदर घर है। ये मंदिर है, तो बाजार दिखाते हैं आप, देखो भैया। दुकान लगी हुई है गाय जाके, और भीड़ मिठाइयों की दुकान। चलाओ बहुत अच्छा, देखो लाइट की दुकान भैया, मिठाई मिठाई। तो गाइस, अभी तक आपने देखा कि छोटी दिवाली की सजावट कितनी धूमधाम से हुई है, और अब मैं आपको लेकर जा रही हूँ जहाँ पर लगा हुआ है पटाखा, और उसी एरिया में खाली पटाखे लगाए जाते हैं और कहीं नहीं लगाए जाते हैं। ये मैं यहाँ दे रही हूँ, देखिए उसी एरिया में पटाखे लगाए जाते हैं। तो मैं अभी आपको दिखाऊँगी जा कर के। तो हम चल रहे हैं जहाँ पर लगता है पूरा फुलझड़िया। तो कहाँ से लावे जाइए वो फुलझड़ी हुआ, मतलब पूरा तो मिली तो खाली वहीं पर। फिर ले आओ, कहूँ हम कहाँ बताए क्योंकि और कहूँ अलाउ ना ही, जैसे बैन बन रहा था ना। यहीं पर लगा है दुकान भैया, देख लीजिए आप लोग, दुकान लगा हुआ है। ये समोसे की दुकान यहाँ पे लगी हुई है, ये पटाखों की दुकान लगी है, तो अच्छा लगा था हमें तो। चलो करें बस भैया, इतना ही था व्लॉग हमारा आज का, और हम जा रहे हैं घर। और अभी आपको मैं क्या बताऊँ, ये अंकल जी कितने प्यारे लग रहे हैं दो बच्चों के साथ। तो मैं घर जाके आपको बताती हूँ, बाकी अब बाकी चीज़ें व्लॉग में देख लेना पूरा। कितने का है? और बड़ी जलेबी, ये भी और इतने नहीं, इतने बड़ी नहीं। ये कितने की है? ये वाला कितने? देखो भैया कितने, ये वाला सही है।
ये वाली महंगी कितने की? 600 रुपए तो दे दीजिए पूरा डब्बा। ठीक है, पूरा डब्बा। अस्मनार और अनार अनार ये ले लो बेटा, अनार दे दो। 5 पीस का है, इतना बड़ा नहीं चाहिए। कितने घंटे तक जलेगा? खाली 5 तो दे दीजिए बस। 5 पीस ये लीजिए, ले भी जाऊंगा। और हम लोग पिछली बार भी इसी दुकान से लिए थे और इस बार भी इसी दुकान से ले रहे हैं। अनार की अनार और जलेबी लो, फॉलो करो। टोटल कर दो। हाँ, ये दे दीजिए, ज्यादा ना लियो। और ऐसे कोई नॉर्मल पटाखा नहीं है, बम बम नहीं है। लाए दो जो बताओ कि बेटा पूरा आइटम मिलेगा, लेकिन आप जब बताएंगे कि हमको बस बस यही दो चाहिए। ज्यादा दिला रही है ना, वही कसम वास में खसम जाकर उसमें कसम वास में आप टोटल ले लो। ये वाला भी लियो, नहीं लिए कौन सा लगा नहीं इनको ये नहीं क्या? ऑनलाइन तो हो जाएगा ना? सुनो बस इसको हाथ में ले लीजिए, टूट जाएगा। ले लिया हम लोग, जा रहे हैं घर। गाइस चलिए गाइस, जैसा उधर लगा लो जो तो गाइस हम लोगों ने जलेबी ले लिया है 600 रुपए का। ये डब्बा 600 रुपए का जलेबी हम लोगों ने लिया है। अब हम लोग जा रहे हैं घर। आगे बताता हूँ कि क्या होता है। चलिए घर चलते हैं। हाँ हम लोग बहुत अमीर हो गए, 1200 रुपया कर्जा कर दिया हम लोगों ने पटाखा में। गाइस यहाँ पे लगाया पटाखा बंदर मामा। सो हे एवरीवन, आज है बड़ी दीपावली और मेरे घर में नया नया चादर बिछाया गया है। ये चादर नया नया बिछाया गया। मैं भी लगा है और मेरे घर में नई नई सजावट भी है। ये आ जाया मीचो से जिसके बिना है, ये भी लगा हुआ है और ये इधर भी सजाया हुआ है सुंदर सा मैंने लगाया। और ये मम्मी ने जलाया है दिया। गेट बंद कर रही हूँ। रुकी रहो थोड़ा सा ही सीन। गाइस अभी हम जा रहे हैं छुटकी जलाने, जो कि जलने की कोशिश कर तो रहा है। छोटे छोटे खत्म हो गए। वाटो
देखिए अभी तक जल रहा है गाइस। ठीक ना, मेरा मुंह ले ले, थोड़ा मेरे उधर रहा, फूल जाने दो पूरा मेरे पैर दिखे। एकदम बिटियन का तरह यार, लपा उड़ जाए इस बार, जा रहा है।